काट जमानत मिल गई 3.5 साल की सजा काटने के बाद। जस्टिस अपरेस कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई शनिवार को। हालांकि सुनवाई 16 अप्रैल को होनी थी लेकिन कोर्ट बंद होने की वजह से टाल दिया गया था और आज सुनवाई हुई, जिस पर जमानत याचिका को मंजूर कर दिया गया। हालांकि लालू यादव जो है अभी एम्स में इलाजरत हैं और बेल बॉन्ड भरवाने के बाद उनका रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि इसे लेकर एक खुशी का माहौल लालू समर्थकों में देखी जा रही है। और रांची से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसके लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता कृष्णा, मौजूद है फुलाइन पर। कृष्णा, किस तरह की खुशी का माहौल है और क्या कुछ कहा वकील ने, यह जानना चाहेंगे आपसे लालू को जमानत मिलने के बाद। देखिए, सबसे पहले कि जो कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद थी, चाहे वो आरजेडी के जितने भी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हो या प्रवक्ता हो, सब खुश हैं, अपने कार्यालय में मिठाइयां बांट रहे हैं, एक दूसरे के साथ गले लग रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना की वजह से लेकिन उतनी भीड़ नहीं है, मगर फिर भी एक लालू यादव को बेल मिलने की वजह से कार्यकर्ताओं में सबसे ज्यादा खुशी है, क्योंकि बहुत दिनों से लंबे इंतजार के बाद, लगभग 3.5 साल के बाद, ये जो जिस दिन का इंतजार था वो दिन आज आया है आरजेडी कार्यकर्ताओं के लिए। ऐसे आपको पता होगा कि वहां से पटना से भी राबड़ी देवी और उनकी बेटी पहुंच चुकी है दिल्ली। तो अब वहां से देखने वाली बात होगी अब कितने दिन में कागजी जो कार्रवाई है वो पूरा करके लालू यादव पटना आते हैं। एक सवाल यह है कि कृष्णा, झारखंड विधानसभा चुनाव में लालू की गैर मौजूदगी भले ही खली, लेकिन मधुपुर विधानसभा चुनाव होना है जहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी भी हैं, और अब लालू जब एक बार फिर से सबके साथ होंगे, मुख्य धारा में शामिल होंगे, तो झारखंड की राजनीति में जहां उनकी गठबंधन की सरकार भी है, क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, मधुपुर उपचुनाव में कुछ असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मधुपुर उपचुनाव में पहले ही तेजस्वी यादव पहुंच गए थे। तेजस्वी यादव महागठबंधन के तरफ से जो प्रत्याशी हैं हफीजुल अंसारी, उनके तरफ जाकर के दो दो रैलियां की, भीड़ भी इकट्ठा हुआ वहां पे। वो लगातार बीजेपी पर आरोप लगाते रहे, बीजेपी को झूठा पार्टी करार दिया उन्होंने बैठ करके वहीं पर। एक और चीज उन्होंने वहां पर बोला कि वहां पे मैं खुद मौजूद था, वो मंच से ये बात बोले कि आप एक चीज देख लीजिए कि जिस तरह से हमने एक नारा दिया था, बीजेपी बहुत बड़ा स्टैंड है जो सोशल मीडिया है, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग काम करते हैं जो नारे तय करते हैं, नारे बनाते हैं, बहुत सारा चीज। हमने बिहार में एक नारा दिया था कि इस बार चुपचाप लालटेन छाप, तो वही नारा वो चुरा करके देख लीजिए कि कलकत्ता में बंगाल का जो चुनाव है उसमें यूज कर रहे हैं कि चुपचाप कमल छाप। उसी तरह यहाँ नहीं देखना है, यहाँ चुपचाप तीर कमान छाप पे वोट देना है। तो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पूरी कैबिनेट यहाँ पर झारखंड में मधुपुर में उपचुनाव में मौजूद थी 15 तक, और बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया था, तेजस्वी यादव खुद पहुंचे थे वहां पर। यादव वोट ज्यादा है लगभग, उसको लेकर कि यादव वोट रिझाने के लिए तेजस्वी यादव को बुलाया गया था। देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ा चीज हो चुका है कि हिंदू मुस्लिम हो चुका है, भारत पाकिस्तान हो चुका है। ये तमाम लोग जिस बीजेपी कह रही है कि यहाँ पर अगर मुस्लिम उम्मीदवार जीतता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। तो ये तरफ अभी देखने वाली बात होगी, आज परसेंटेज में सबसे ज्यादा होगा, अगर ज्यादा परसेंटेज वोट का होता है तो ये लगेगा कि बीजेपी को वहां पे बढ़त मिलती दिखेगी। यानी कि ये मान ले कृष्णा कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से लालू यादव के बाहर आने के बाद बिहार झारखंड की राजनीति में असर पड़ेगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका कृष्णा।